नमस्कार बच्चों, आज आपके सामने कक्षा 7 में जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसका पहला चैप्टर इंटीजर्स पूर्णांक संख्या है, उनको लेकर मैं आपके सामने हूँ। और आप सभी का इस नव भारतीय स्टडी सर्किल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पाठ के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत हम इंटीजर्स पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, नंबर लाइन के ऊपर पूर्णांकों को किस प्रकार से लिखते हैं, पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में कैसे जमा सकते हो, और पूर्णांकों की जोड़ और बाकी कैसे करते हैं, हम इसको सीखेंगे। पूर्णांकों से आप लोग पहले से परिचित हैं, क्योंकि क्लास 7 के हैं तो पहले से परिचित हैं कि पूर्णांक है क्या। आप लोग जानते हैं कि आपकी जो गिनती काउंटिंग जो आप करते रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे आगे तक अनंत तक, ये क्या है वास्तव में, ये भी पूर्णांक ही है। और इनके अलावा जो होते हैं जैसे 1.5 या आधा या चौथाई, पौन, दो और तीन के बीच में 2.5, 2.6, ये पूर्णांक नहीं है। इनको हम अलग से भिन्न संख्याएं हैं, फ्रैक्शन हैं, इनको हम किसी अन्य चैप्टर के अंदर समझेंगे, पढ़ेंगे। आज हम केवल पूर्णांकों की बात करते हैं। तो पूर्णांक क्या एक से स्टार्ट होते हैं? आप सही सोच रहे हैं, पूर्णांक 0 भी होता है और उसके नीचे, हाँ उसके नीचे भी होते हैं बिल्कुल, माइनस में भी होते हैं पूर्णांक, -1, -2, -3, -4, -8। अब पूर्णांकों के छोटा बड़ा क्या होता है, हम +4 और +7 के बीच में देखें तो छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है, आप डेफिनेटली बोलेंगे 7 बड़ा है और 4 छोटा है। माइनस के बजाय -4 बड़ा है या -7 बड़ा है, तो यहां थोड़ा सा गड़बड़ होती है, -7 को बड़ा बोल देते हैं -4 की जगह, जबकि -4 बड़ा है, -7 छोटा है। तो ये सब देखते हैं हम। चलिए आइए हम पहले नंबर लाइन जिसको हम पहले से जानते हैं उसको देखते हैं। ये नंबर लाइन, इस नंबर लाइन के ऊपर कुछ इन्होंने अंकों को प्रदर्शित किया हुआ है। पहले हम नंबर को समझते हैं, यहां 0 है, इधर +1 है, जहां कोई चिन्ह नहीं होता पहले इसको प्लस का मानते हैं, +1, +2, +3, +4, +5 जिसको आप पहले से जानते हैं, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ये इधर की तरफ। हम मान लें इस 0 को मान लें हमारे अर्थ प्लेन है, प्लस में जाएंगे तो ऊपर जाएंगे आकाश की तरफ, माइनस में जाएंगे तो नीचे जाएंगे पाताल की तरफ, ठीक है। तो वहां भी अंदर जाएंगे, गहरे होते जाएंगे या ऊपर होते जाएंगे, है ना। तो छोटा कौन सा बड़ा कौन सा देखने के लिए हमें क्या देखना होता है, जो उधर है राइट साइड में है, जो राइट साइड में है वो बड़ी है, उधर जाएंगे तो वो बिगेस्ट आएंगे, और इधर चलते जाएंगे तो इधर छोटी होती जाएगी तो स्मॉलेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये कुछ संख्याएं हैं, +-5 यहां है, ये -1 यहां है, ये और 3 यहां है, इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे इधर -5 आपकी स्मॉलेस्ट है। इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, जो सबसे उधर है, तो ये +3 आपकी बिगेस्ट है, राइट। चलिए और कुछ देखते हैं, हमें यदि इनको क्रम से जमाना हो, इन असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो कैसे आएंगे, कुछ संख्याएं लेते हैं, हमने 16 ले ली, मान लीजिए -16 ले ली, हमने 3 ले ली, हमने 8 ले ली, हमने -9 ले ली, ठीक है। इन्हें हमें जमाना है इन असेंडिंग ऑर्डर, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में जमाना है, बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले सबसे छोटी लिखनी पड़ेगी। पहले देखते हैं ये नंबर लाइन के ऊपर है कहां, -16 यहां है, 3 यहां है, ये रहा 8 यहां, -9 यहां, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में होता है। सबसे छोटी कौन सी, तो सबसे इधर है -16, तो -16 सबसे पहले आएगी, फिर उससे बड़ी -9, फिर आएगी, फिर उससे बड़ी 3 इधर आएगी, फिर सबसे उससे बड़ी 8 इधर। ये आपका एसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर जमाना होता घटते हुए क्रम में, इन डिसेंडिंग ऑर्डर,
घटते क्रम में, तो क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी लेते हैं, सबसे उधर वाली, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ये आपका होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में हम संख्याओं को जमा करते हैं। चलिए आगे हम नंबर एन के ऊपर कुछ और फंक्शन करते हैं, नंबर लाइन का प्रयोग करते हैं। और नंबर लाइन का प्रयोग करके हम अभी हमने देखा कि छोटी संख्या किसे कहेंगे, बड़ी कौन सी होगी, और एसेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमाएंगे। अब हम नंबर लाइन का प्रयोग करते हुए इनको, इनमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन अर्थात जोड़ और बाकी इनको समझते हैं। नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर मान लीजिए यहां है 10, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50 और 60, ठीक है। इधर माइनस 10, यहां आपके माइनस 20, माइनस 30, माइनस 40, माइनस 50 और माइनस 60, ये नंबर लाइन है और ये बिल्कुल सेंटर में जीरो, राइट। अब आपको कुछ हम जोड़ बाकी करते हैं। पहले हम करते हैं सिंपल 10 प्लस 20, ठीक है, 10 में 20 को ऐड करना है। जिसके जिसके पहले कुछ साइन नहीं है तो 10 के पहले साइन मानते हैं प्लस का, तो प्लस 10 में प्लस 20 को ऐड करना। 10 कहां है, हर एक जो इंटरवल है ये 10 10 का है, 10 का है 10 ईयर 10, और 10 में 20 को ऐड करना। तो ये हम जानते हैं, हम पहले से करते रहे, क्या होता है ये 30 होता है। 30 कहां पर है, 30 यहां है, ये रहा। 10 में 20 ऐड करने पर 30 आया, तो 10 में 10 ऐड किया, इधर ये 10 और ये को 10, तो 2 बार 10 2 टाइम्स 10, दिस इज 10 और ये 10, 2 बार 10 ऐड किया आपने, 20 ऐड किया तो 30 आ गया। आप 10 से 30 तक पहुंचे तो किधर गए, राइट साइड में गए। तो जब राइट साइड में जाते हैं नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे जब राइट साइड में जाते हैं तो एडिशन होता है, तो ऐड कर रहे होते हैं आप, ध्यान में बात। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम सबट्रैक्ट की तरफ देखते हैं। मान लीजिए हम 40 में से 10 माइनस करते हैं तो कितने आते हैं, ये प्लस की 40, 10 माइनस करते हैं घटा रहे, 10 सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितने आते हैं, तो पहले से पता है 30 आते हैं, राइट। कहा है 40, 40 यहां है, ये 40 है, ठीक है। 40 में से 10 माइनस करें 30 है, 30 कहा है, ये 30, 10 माइनस किया तो इधर आए, लेफ्ट साइड आए, इधर आए ना 10, लेफ्ट साइड आए। तो जब हम लेफ्ट साइड आते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है, लेफ्ट साइड आने पर मिलेगा नंबर हमें, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपको लेफ्ट साइड मिलेगा ना। तो लेफ्ट साइड आप जब जाते हैं तो वो होता है सब्ट्रैक्ट, ये जोड़ होता है जब राइट साइड आते हैं तो आप, और जब लेफ्ट साइड आते हैं तो आपका बाकी होता है, राइट। चलिए इन दोनों रूल्स को, इन दोनों नियमों को हम यूज करेंगे और कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला 20 में से आप 50 माइनस करिए, आप 50 माइनस होते नहीं है लेकिन यहां होते हैं, इंटीजर्स की बात करते हैं क्योंकि इंटीजर्स तो जीरो तक ही नहीं होते, काउंटिंग में तो नहीं होते थे लेकिन यहां होते हैं। अब देखो 20 का है, 20 20 ये रहा, इसमें से कितने माइनस करने हैं, 50 माइनस करने हैं, तो 10 माइनस किए, 20 माइनस किए, 30 40 50, तो यहां तक माइनस किए तो आपने 50 माइनस कर दिए, ठीक है, कर दिए, क्या आ गया, माइनस 30 आ गया, तो माइनस 30 इज योर आंसर। हम लेफ्ट साइड चलेंगे, माइनस करना है तो लेफ्ट साइड गए हम, इधर की तरफ गए और जो आया उसको हमने लिख दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हम देखते हैं माइनस 20 में से माइनस 10 करते हैं, राइट, माइनस 20 माइनस 10, माइनस 20 कहां है, ये रहा माइनस 20, इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, 10 को घटाना है, तो घटाना है तो कितना आना, लेफ्ट में आना, तो लेफ्ट में आएंगे, इधर लेफ्ट में आएंगे 10, लेफ्ट में आएंगे 10, तो आपका ये आ जाएगा माइनस 30,
तो आंसर क्या आएगा -30। राइट, एक और क्वेश्चन लेते हैं। -50 में ऐड करते हैं 20। राइट, -50 में ऐड करते हैं 20। -50 का है, -50 ये रहा, इसमें ऐड कर रहे हैं 20, 20 ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के लिए कितना जाना पड़ेगा? राइट साइड जाना पड़ेगा, राइट साइड। तो 50 है, 50 में राइट साइड जाएंगे तो 10 गए राइट साइड, फिर 10 और गए राइट साइड, 20 गए राइट साइड, तो क्या आ गया आपका -30। ठीक है, तो -30 आपका आ गया। यहां हमने कुछ किए हुए हैं, एक ये किया, एक ये किया, ये और ये, इनसे देख के कुछ रूल्स बनता है क्या, कुछ नियम बनता है क्या, चेक करते हैं कि दोनों प्लस थी, प्लस प्लस, जब वॉक प्लस थी तो ये आपका आंसर भी प्लस में आया। एक नियम बना, जब दोनों संख्याएं प्लस प्लस हो तो आंसर भी प्लस में आता है। दूसरा, जब दोनों ही संख्याएं प्लस प्लस हैं तो ऐड हो जाती है, 10 और 20 ऐड हो गए ना, 30 हो गए। दोनों प्लस प्लस हो तो ऐड हो जाती है, 30 हो जाते हैं। तो दोनों प्लस प्लस की संख्याएं हो, दोनों प्लस प्लस की हो तो उनको ऐड करना है, या पे एक रूल बन गया, रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, देखो दोनों माइनस, यहां पे देखते हैं, ये माइनस है और ये भी माइनस, दोनों माइनस है तो आपका रिजल्ट आया माइनस में, और दोनों माइनस थी, 20 और 10 ऐड करने पे 30 आए तो भी ऐड हो गए। दोनों माइनस में हो, दो संख्या माइनस में हो तो ऐड करना होगा, या पर दूसरा रूल बन गया। पहले वाली प्लस में, दूसरी माइनस में हो, मतलब बड़ी वाली प्लस में दूसरी माइनस में हो, तो क्या हुआ, 40 में से 10 गए 30, तो माइनस करना पड़ा ना, तीसरा रूल बन गया पर थर्ड रूल। थर्ड रूल मैं यहां लिख देता हूं, यदि एक संख्या प्लस में हो एक माइनस में हो तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। ठीक है, फोर्थ रूल, माइनस करना है उसको, है ना। यदि एक संख्या आपकी पहले वाली संख्या माइनस में हो, दूसरी प्लस में हो, 50 में से 20 के 30 तो भी घटाया ना, यदि एक संख्या माइनस में है एक प्लस में है तो भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी करना है, घटाना है। अब ध्यान में आया, चार रूल आ गए, दोनों प्लस में है तो ऐड करना, दोनों माइनस में है तो भी ऐड करना, एक प्लस में और एक माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट करना, राइट। पहले वाली माइनस में फिर प्लस में हो तो भी सब्ट्रैक्ट करना, राइट। तो देखो ध्यान दो यहां पर एक बात और, उस जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा उस पर साइन कौन सा लगेगा, ये भी ध्यान रखना। दोनों प्लस में है तो प्लस का साइन लगना, तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट प्लस का आएगा। दोनों माइनस में है तो जो रिजल्ट आएगा, ऐड तो करना है, दोनों माइनस में ये रह देते, ये माइनस में, ये माइनस में, रिजल्ट भी माइनस में, तो रिजल्ट माइनस में आएगा। दोनों माइनस में है तो रिजल्ट भी माइनस में आएगा, दोनों माइनस माइनस की जब जुड़ेंगी तो आंसर भी माइनस में आएगा, दोनों प्लस प्लस की जुड़ेंगी तो आंसर भी प्लस में आएगा। एक प्लस की और एक माइनस की हो तो ये प्लस की, ये माइनस की है, घटा सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन बड़ी संख्या, बिगर संख्या जिसकी होगी, बड़ी जिसकी होगी उसका साइन लगेगा, यहां ध्यान देना है। ठीक है, बिगर 40 थी, 40 का साइन लगा प्लस, या बिगर 50 थी माइनस, तो माइनस का साइन लगा। ठीक है, तो जब दोनों यहां पे माइनस, बिगर माइनस की तो माइनस का साइन लगा, राइट। तो नंबर 9 से हमने एडिशन समझा, सब्ट्रैक्शन समझा, और उसके बाद में हमने उसको जनरलाइज किया, उसका हमने एक नियम बनाया, फोर नियम बनाए, दोनों संख्याएं प्लस की हो तो हमें ऐड करना है, दोनों संख्याएं माइनस की हो तो भी ऐड करना है, एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जो आंसर आएगा उसमें साइन होगा, जब दोनों प्लस की होगी तो प्लस का साइन होगा, माइनस की होगी तो माइनस का साइन होगा, जो बड़ी होगी उसका साइन होगा, राइट। चलिए, हमने जब जनरलाइज कर लिया है नियमों को, तो थोड़ा सा एक बात और साइन के बारे में समझ लेते हैं, कुछ ब्रैकेट्स को खोलना भी जान लेते हैं। ब्रैकेट्स को खोलने से हम कुछ और अच्छे से इसको कर पाएंगे। मान लीजिए इस प्रकार की संख्या होती है, -7 में -8 को सब्ट्रैक्ट करना तो आंसर क्या आएगा, देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये माइनस में है, -1, -2, इस तरह से ना, -3, 4, 5, 6, 7, -7, 8, 9, 10, 11, 12, -12, 13, 14, 15, -15, ऐसे करके, राइट। ध्यान दो,
यहां इस तरह की पोजिशन में संख्याएं हो तो क्या करेंगे हम? पहला काम करो ब्रैकेट्स को खोलो। ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो ब्रैकेट्स के जो बाहर साइन है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका दोनों साइन मिलके क्या साइन बन जाएगा। इसके बाहर कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, राइट? जब ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन हो तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन है वही आएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, राइट? इस रूल को फॉलो करते हैं तो माइनस सेवन और ये बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एट। ये करना है एक बात। दूसरी बात, जब ब्रैकेट खुलता है तो बाहर वाली चीज से अंदर वाली चीज मल्टीप्लाई होती है, प्लस प्लस से ही माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान दो, प्लस से जब माइनस का साइन मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, माइनस से जब प्लस का साइन मल्टीप्लाई होता है तो भी माइनस आता है, प्लस से प्लस का साइन मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, माइनस से माइनस का साइन मल्टीप्लाई होता है तो भी प्लस आता है। इसको ध्यान रख लो, बात समझ में आ जाएगी, ईजी हो जाएगा। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस साइन आया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस साइन आया। बस अब इसके बाद तो आप करना जानते हो। इसके बाद मैंने बताया था अभी आपको रूल पिछली बार में, जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं घटाते हैं तो उनके साइन देखते हैं, उनके साइन यदि सेम हो तो जोड़ना है और अलग अलग हो तो घटाना है, या अलग अलग है ना तो घटेगा। आठ में से सात गए तो वन, और बड़ी संख्या का साइन आएगा इसमें रिजल्ट में, बड़ी संख्या का साइन, बड़ी संख्या कौन सी है? आठ। आठ का साइन क्या? प्लस। उसका आंसर आएगा प्लस। ये आपका आंसर हुआ, ध्यान में आई बात? चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद में हम ये एक्सरसाइज 1.1 बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपको मतलब ये वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट है ये बहुत सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है? फॉलोइंग नंबर 9 शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे, तो ऑब्जर्व दिस नंबर 9 एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। लाहौल स्पीति में कितना डिग्री टेम्परेचर है? 0, माइनस 5, 6, 7, 8, माइनस 8 डिग्री। श्रीनगर में माइनस 2 डिग्री, शिमला में 5 डिग्री प्लस 5, ऊटी में प्लस 14, बेंगलुरु में प्लस 22 डिग्री, राइट? सेकेंड क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट? हॉटेस्ट बेंगलुरु, कोल्डेस्ट ठंडा लाहौल स्पीति, है ना? इनका डिफरेंस पूछा है तो 22 में से माइनस करना है माइनस 8 को, ध्यान में बात? डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करते हैं, ऐसे माइनस करना है। आपने यदि सिंपल कर दिया, मान लो 22 माइनस 8 तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा, आपका आंसर यहां से 14 आता है जो कि रॉन्ग है। करना क्या था? ऐसे करना था, ये प्लस है, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख लो, बाहर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा, ये दोनों साइन माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू मैंने बताया था प्लस, तो प्लस 8 आंसर हो गया आपका 30 इज द डिफरेंस। हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट के बीच का डिफरेंस 30 डिग्री है, राइट? न कि 14 डिग्री है। तो समझ में आई बात? इसको इस प्रकार से निकालेंगे तो ये रूल यहां पे काम आया। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का डिफरेंस पूछा है, राइट? बड़ी कौन सी छोटी कौन सी? बड़ी भी छोटी घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा ना। डिफरेंस निकालना हो दो में तो बिगर में से स्मॉलर को लेस करते हैं। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? माइनस 8 नहीं है, उधर वाली बड़ी है, राइट साइड वाली बड़ी है, लेफ्ट साइड वाली छोटी है, तो माइनस 2 बड़ी है। माइनस 2 में से माइनस करेंगे माइनस 8 को, माइनस 2 में से माइनस 8 को माइनस करेंगे, राइट? समझ में आई? बिगर स्मॉलर, माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 हो गया, माइनस माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 8 हो गया। अब एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की है तो क्या होगा? ये घटेगी जुड़ेगी? घटेगी, दोनों के साइन डिफरेंट है ना, सेम साइन होते हैं तो जुड़ जाती है, सेम साइन अच्छे अच्छे लोग होते हैं जुड़ते हैं, बुरे बुरे लोग भी जुड़ते हैं, और अलग अलग साइन होते हैं तो एक दूसरे से घटते हैं, वो थोड़ा सा फाइटिंग होती है। 8 में से 2 गए तो 6, बड़ी संख्या जो उसका साइन आएगा, बड़ी संख्या कौन सी? प्लस की है तो प्लस 6 साइन आएगा, ये आपका आंसर है।
तो इन दोनों के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है? 6 डिग्री डिफरेंस, राइट? कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला. इन्होंने कहा श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर को टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला. इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर. बिल्कुल दोनों का टेम्परेचर जोड़ते हैं. इसने कहा पहले फर्स्ट श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर टुगेदर लो, साथ लो. तो शिमला और श्रीनगर प्लस शिमला दौड़ना. श्रीनगर का टेम्परेचर कितना? माइनस टू. इसमें ऐड करना शिमला का टेम्परेचर कितना? +5, राइट? देखते हैं कितना आंसर आता है. प्लस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा. इनको ऐड करते हैं तो +3, राइट? +3 डिग्री. ये जो 3 डिग्री है ये किसी टेम्परेचर पूछ रहा है? वो पहले लेस देन ऑफ टेम्परेचर ऑफ शिमला. टेम्परेचर ऑफ शिमला, शिमला का टेम्परेचर कितना है? +5. +5 से कम है क्या ये? यस कम है. तो इसने कहा है कि इस लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, यस शिमला से कम है. दूसरा पूछा इस आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर से. ये 3 डिग्री आया है, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री से कम है क्या 3 डिग्री? 3 प्लस में ज्यादा है, माइनस इधर है ना, उससे ज्यादा है, राइट? नो, यहां से आ जाएगा नो आ जाएगा, यहां आ जाएगा नो, और इस वाले के लिए आ जाएगा यस. शिमला से तो कम है परंतु श्रीनगर से ज्यादा है इनका डिफरेंस दोनों के टेम्परेचर का, राइट? इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन और आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप करिए, ठीक है? मैं कोई भी क्वेश्चन कर देता हूं आपके लिए तो आप उसको ठीक प्रकार से कर पाएंगे. मैं 6 क्वेश्चन कर देता हूं, राइट? फिर आप इसको एक्सरसाइज को करना, मुझसे पूछना. रीता वॉज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. ये यहां पर दे रखा है नोट डायग्राम. ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ठीक है? ईस्ट की तरफ गई वो ए पॉइंट से गई ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर, इधर से भी 20 किलोमीटर और टू द पॉइंट बी तक 20 किलोमीटर, राइट? फिर वो फ्रॉम बी से चली, सी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ. यहां से वेस्ट की तरफ गई, कितना गई? 30 किलोमीटर. 20 तो यहां तक आएगी, यहां तक आ जाएगी वो, यहां है ना. तो मान लीजिए कोई पॉइंट है सी, तो सी तक पहुंच गई वो 30 किलोमीटर. इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव है, इधर प्लस है +30, इधर क्या माइनस है, और वेस्ट की तरफ मान लेते हैं हम, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ कितना करें? यहां थी वो पहले, ध्यान देना, पहले इधर गई 20, फिर इधर गई 30, यहां पहुंच गई, राइट? तो कितना कहां पहुंच गई, कितना पहुंच गई? यदि यहां पे 0 माने, इधर हम माने +20, तो ये क्या है? -10, ठीक है? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20 प्लस गई थी वो, फिर बाद में उसको ऐड करना है, फिर वो माइनस गई वेस्ट की तरफ, गई तो कितना हो गया, निकालना पड़ेगा. ये तो गई थी ईस्ट की तरफ, पॉजिटिव इंटीजर लिया, ये वेस्ट की तरफ गई थी, नेगेटिव इंटीजर लिया. ब्रैकेट खोलेंगे तो +20, ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, सो -30. ये माइनस की है प्लस की, दोनों अलग अलग साइन है, माइनस का साइन है प्लस का साइन है, दोनों एडिशन होंगे क्या? नो, सब्ट्रैक्शन होंगे. सब्ट्रैक्शन क्या, 30 में से 20 गया तो 10, बड़ा नंबर किसका है? 30 का, 30 का साइन कौन सा है? माइनस है, तो माइनस आ जाएगा. इट इज योर आंसर, राइट? एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन भी करिए. स्टेप्स है यहां पर, वो यहां वाटर है, वाटर लेवल
ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, नाइन स्टेप पे वाटर है, नाइन पे, वन पे बैठा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और फर्स्ट जंप में 3 स्टेप डाउन आता है, फिर सेकंड जंप में 2 स्टेप्स अप चढ़ता है, रहता वन पे है, फिर ऐसे ऐसे करते करते वो पानी तक पहुंचने में कितने स्टेप्स लगेंगी दिमाग लगाना, करना, नहीं आता तो मुझसे आप पूछना। थैंक यू।